चाली को बुलाओ। डॉक्टर हॉलोवे, चाली, क्या हुआ? दो हजार नवासी स्कॉटलैंड का स्काई टापू। इसकी तारीख पता चली? 35,000 साल, शायद और भी पुराना। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। आकार तो वही है, मेरा मतलब ये कलाकृति औरों से 1,000 साल से ज्यादा पुरानी होगी। लगता है वो चाहते हैं कि हम जाकर उन्हें ढूंढें। वैज्ञानिक खोज का जहाज प्रोमेथियस, सवारी 17, तारीख 21 दिसंबर 2093, पृथ्वी से दूरी 3.27 × 10⁻¹⁴ किलोमीटर, गंतव्य स्थल गुप्त। उस आदमी को क्या हुआ? वो मर गया है। आप उनकी मदद क्यों नहीं कर रहे? उन्हें मेरी मदद नहीं चाहिए, उनका ईश्वर हमारे से अलग है। वो क्यों मर गया? क्योंकि कभी ना कभी सभी मर जाते हैं। जैसे मम्मी? हाँ, जैसे मम्मी। वो कहाँ चले जाते हैं? सब अलग अलग नाम से बुलाते हैं, जैसे स्वर्ग, जन्नत, चाहे जो भी नाम लो, कोई बहुत ही खूबसूरत जगह है। आपको कैसे पता कि वो खूबसूरत जगह है? क्योंकि मैं यही मानना चाहता हूँ। तुम क्या मानती हो एली? डॉक्टर एलिजाबेथ शो, न्यूरोवाइजर कड़ी समाप्त। गुड मॉर्निंग डेविड, संदेश प्रसारित हो रहा है। कोई जवाब नहीं। इसकी भाषा पारंपरिक भारतीय यूरोपियन वंशजों की भाषा से मिलती जुलती है, लेकिन इसका उच्चारण प्राचीन है, जो करोड़ों साल पुराना है या उससे भी ज्यादा। अब कोशिश करते हैं श्लाइकर की भाषा। मेरे बात दोहराओ।
Herewith, Hiasmet, Quel Nanahast, Akunza, Dadrukta. Herewith, Hiasmahul Nanahast, Akunza, Dadrukta. Shabash. Mr. Lawrence? Yes? Aapka kagaz, sir. Thank you. आप इसे कुछ ज्यादा ही करते हैं अपनी उंगलियां संभाल के रखना माइकल जॉर्ज हार्टले आप तो फिलोसोफर हैं और तुम पागल हो ओह ये तो जलता है भाई हाँ वो तो जलेगा ही तो फिर तरीका क्या है तरीका विलियम पॉटर ये है कि दर्द होने की परवाह ना की जाए तरीका विलियम पॉटर ये है कि दर्द होने की परवाह ना की जाए तरीका विलियम पॉटर ये है कि दर्द होने की परवाह ना की जाए वो नींद में कब से थे दो साल चार महीने अठारह दिन छत्तीस घंटे पंद्रह मिनट इस बीच कोई हादसा कैसा हादसा मैम कोई मरा है नहीं मैम सब ठीक है तो फिर जगाओ उन्हें आराम करने की कोशिश कीजिए डॉक्टर शॉ मेरा नाम डेविड है तरल चीजों के बहाव बंद होने की वजह से आपका शरीर सदमे में है घबराइए नहीं ऐसा ही होता है एली हम पहुंच गए काफी पानी पिए तरल पदार्थों का खूब सेवन करें पानी पीने से मांसपेशियों को मदद मिलती है सभी दल ज्यादा कैलोरीज वाले मिल्क शेक्स पिए सभी दल खाने के साथ विटामिन्स लें ये क्या तमाशा है सभी दल खाने के साथ विटामिन्स लें आज क्रिसमस है छुट्टियों से तो पता चलता है कि वक्त गुजर रहा है हमारी मीटिंग शुरू होने वाली है कैप्टन शायद आप नीचे आना चाहेंगे पर मैंने तो अभी तक नाश्ता भी नहीं किया क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ मैं हूँ मिलबर्न बायोलॉजी डिपार्टमेंट से तुमसे मिलकर खुशी हुई देखो तुम बुरा मत मानना पर मैं दो सालों से सो रहा था मैं तुमसे दोस्ती करने नहीं पैसे कमाने आया हूँ समझ गए तुम ठीक है लगता है ये दूसरे ग्रह पर पृथ्वी सी प्रकृति बनाने का सर्वे है अगर ये सर्वे होता तो वो हमें बता देते ये कंपनी का मामला है वो हमें कुछ नहीं बताएंगे तू देखते जा ठीक है देख लेना क्या बात है तुम परेशान लग रही माहौल समझने की कोशिश कर रही हूँ वो तो समझ ही लोगी गुड मॉर्निंग
जिन्हें मैंने खुद इस काम के लिए चुना है, उनसे फिर मिलकर खुशी हुई। बाकी सबके लिए मैं हूं मेरेडिथ विकर्स, और मेरा काम है ये देखना कि आप अपना काम करें। तो शो शुरू करते हैं। वेलेंट कॉर्पोरेशन, बेहतर दुनिया का निर्माण। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पीटर वेलैंड है। मैं आपका बॉस। मैं इसे 22 जून 2091 को रिकॉर्ड कर रहा हूं, और अगर आप इसे देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं और मैं मर चुका हूं। मेरी आत्मा को शांति मिले। आज आपके साथ एक आदमी बैठा है, उसका नाम डेविड है। वो मेरे लिए उस बेटे जैसा है जिसे मैंने कभी नहीं पाया, पर अफसोस वो इंसान नहीं है। डेविड कभी बूढ़ा नहीं होगा और ना ही कभी मरेगा। फिर भी वो इस बेमिसाल देन की कभी कदर नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास वो नहीं है जो इंसान को हासिल है, वो है आत्मा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी कुछ सवालों के जवाब ढूंढने में कि हम कहां से आए हैं, हमारा मकसद क्या है, हम मर जाते हैं तब क्या होता है, और आखिर मुझे दो लोग मिल गए जिन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि वो उनका जवाब दे सकते हैं। डॉक्टर हॉलोवे और डॉक्टर शॉ, प्लीज खड़े हो जाइए। आप ये जान लीजिए कि अब से ये दोनों इंचार्ज हैं। यूनानी अग्नि देवता प्रोमेथियस चाहते थे कि इंसानों को देवताओं की बराबरी का दर्जा दिया जाए, जिसके लिए उसे ओलंपस के देवताओं ने निकाल दिया। लेकिन दोस्तों, अब प्रोमेथियस के लौटने का वक्त आ गया है। डॉक्टर्स प्लीज, अब आप बताइए। ओके, आप अजीब बात है, इससे पहले कभी किसी भूत की बात नहीं बोला मैं। अब आपको यहां आने का मकसद बता दूं। ये पृथ्वी पर हर जगह की गई पुरातत्व खुदाई की तस्वीरें हैं। ये मिस्र की है, मायन, सुमेरी, बेबीलोनियन, वो आखिर में हवायन है, और मेसोपोटामियन। अब ये वाली यहां, ये हमारी सबसे हाल ही में की गई खोज है। ये स्कॉटलैंड में स्काई की खाड़ी से 35,000 साल पुराना गुफा चित्र है। ये प्राचीन सभ्यताएं हैं, इनमें सदियों की दूरियां थी, इनका एक दूसरे से कोई संपर्क नहीं था, फिर भी वो चित्रलेख जिसमें आदमी तारों की तरफ इशारा करते हुए विशाल लोगों को पूछते दिखाए गए हैं, वो चित्रलेख हर सभ्यता में देखे गए हैं। और केवल एक आकाशगंगा प्रक्रिया जो इससे मेल खाती थी, पृथ्वी से इतनी दूर थी कि आदिम प्राचीन सभ्यताएं इसके बारे में कभी जान ही नहीं सकती थी। पर हैरानी की बात यह है कि उस आकाशगंगा में एक ही सूरज है, काफी कुछ हमारी पृथ्वी जैसा, और हमारी लंबी दूरी के स्कैन से पता चलता है कि वहां एक ग्रह है। बस एक चांद वाला एक ग्रह जीवन बनाए रखने में सक्षम, और आज सुबह हम वहां पहुंच गए हैं। तो तुम्हारा कहना है कि यहां हम सब उस नक्शे की वजह से हैं जो तुम दोनों को उस गुफा से मिला? नहीं। हाँ। नहीं, नक्शा नहीं, एक निमंत्रण था। किसका निमंत्रण? हम उन्हें इंजीनियर्स कहते हैं। इंजीनियर्स? जरा हम सबको ये बताने की जहमत उठाओगी कि उन्होंने ऐसा क्या बना दिया है? उन्होंने इंसान बनाया। बकवास। ठीक है, मेरा मतलब तुम ये साबित कैसे करोगे? देखो, अगर तुम डार्विन के सिद्धांत की 3 शताब्दियां नकारने को तैयार हो तो ये वो इस पर यकीन करने की वजह? कोई वजह नहीं, पर फिर भी मैं इस पर यकीन करती हूं। डॉक्टर्स,
मिशन शुरू होने से पहले मिस विकर्स आपसे कुछ बात करना चाहेंगी। वाह, अच्छी जगह है। यह असल में एक अलग कमरा है जिसमें निजी सुरक्षा के सारे इंतजाम हैं। हवा, खाना, मिस विकर्स को विपरीत वातावरण में जीवित रहने के लिए जो चाहिए वो सब यहाँ है। अच्छा, तो वो एक लाइफ बोट में रहती है। हाँ, वाकई मैं जोखिम के लिए तैयार रहती हूँ। डेविड, इन डॉक्टर्स के लिए ड्रिंक बना दो और मेरे लिए एक वोडका। नीट। चार्ली, देखो ये एक पॉलिंग मेट पॉड है। ऐसे सिर्फ एक दर्जन ही बने हैं। मिस शो, प्लीज अपनी चोट के बारे में बताएं। उसे हाथ मत लगाइए, वो बहुत ही महंगी मशीन है। ये तो बाईपास सर्जरी करती है, आपको इसकी क्या जरूरत है? लगता है हमारे रिश्ते के बारे में कोई गलत फहमी है। हो सकता है वेलर ने तुमसे इम्प्रेस होकर इस मिशन पर पैसा लगा दिया हो, पर मुझे नहीं लगता तुम्हारे ये इंजीनियर्स छोटी गंदी गुफाओं में रहने वाली जंगलियों की तस्वीरों के अलावा कुछ और हैं। पर मान लो मैं गलत हूँ और तुम्हें ये लोग मिल भी जाएं, तुम कुछ नहीं करोगे, ना उनसे बात करोगे, ना कोई वास्ता रखोगे, सिर्फ मुझे खबर दोगे। मिस विकर्स, कोई ऐसा प्लान है जो हमें नहीं बताया जा रहा है? मेरी कंपनी ने इस जगह को ढूंढने और तुम्हें यहाँ लाने पर करोड़ों रुपए लगाए हैं। अगर तुमने ये रकम लगाई होती तो हम तुम्हारे हिसाब से चलते खुशी से, पर ऐसा नहीं है, इसलिए जो कहा जाए वही करो। अगर हम उन इंजीनियर से संपर्क नहीं कर सकते तो आप हमें यहाँ लाए ही क्यों? हाँ, वेलैंड एक अंधविश्वासी आदमी थे, उन्हें इस खोज पर यकीन करने वाले चाहिए थे। Cheers. कोई जवाब आया? अब तक तो नहीं। शायद उन्हें समझ नहीं आया होगा। तो अब तक कितनी भाषाएं सीख चुके हो तुम डेविड? मैंने दर्जनों प्राचीन भाषाओं को समझने में 2 साल लगा दिए हैं। मुझे यकीन है कि मैं उन इंजीनियर से बात कर सकता हूँ, बशर्ते आपका थीसिस सही हो। बशर्ते थीसिस सही हो, ये अच्छा है। इसीलिए तो इसे थीसिस कहते हैं डॉक्टर। तुम्हें क्यों उतनी हंसी आ रही? चलिए मिस्टर रेवल, मिस्टर चांस, इसे नीचे उतारते हैं। रोजर। जी कैप्टन। कैसा चल रहा है? ठीक ठाक। ठीक है बॉस। साथियों, मैं कैप्टन बोल रहा हूँ, प्रवेश के लिए तैयार रहें। जी कैप्टन। इसमें तुम भी शामिल हो विकास। सारी सिस्टम ऑनलाइन। वायुमंडल कैसा है? वायुमंडल में 71% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और आर्गन गैस के निशान भी हैं। ओ, इसे कहते हैं मौसम। बिल्कुल पृथ्वी जैसा है। तब होगा जब आप एग्जॉस्ट पाइप से सांस ले रहे हो। कार्बन डाइऑक्साइड 3% के ऊपर है। सूट के बिना 2 मिनट भी रहे तो मर जाओगे। बाई तरफ एक चोटी है। वाओ, ऊंचाई 52,000। इसके सामने तो माउंट एवरेस्ट छोटा बच्चा लगेगा। ठीक है, हमें दूसरी तरफ ले चलो, हम अपना जहाज वहीं उतारेंगे। जमीन पर कुछ सख्त चीजें दिखाई दे रही हैं, शायद कोई धातु हो। कोई संपर्क नहीं, गर्मी का कोई स्रोत नहीं, कोई भी नहीं है। रेगिस्तान में कुछ भी नहीं है और किसी इंसान को कुछ नहीं चाहिए। तुमने क्या कहा? डायलॉग है मेरी पसंदीदा फिल्म से। दोनों पहाड़ों के बीच से निकलो। जहाज की रफ्तार 100 समुद्री मील कम कर दो। निकल रहे हैं, आराम से, धीरे। जरा संभल के साथियों, वो देखो। रुको, कहाँ जा रहे हो? डॉक्टर हॉलोवे, बैठे रहिए। बस वहां, कुदरत सीधी लाइन में कभी कुछ नहीं बनाती। जहाज के दाहिनी तरफ वाली वो घाटी, कैप्टन क्या आप हमें वहां उतार सकते हैं? अगर इतना भी ना कर सकूं तो मैं किस काम का। मिस्टर रेवल, 90 डिग्री दाहिनी तरफ मोड़ो।
बाईं ओर एक मील आगे उतरने की प्रक्रिया शुरू। मैनुअल पर जाओ। लैंडिंग शुरू। आराम से। रोजर। हाँ, शाबाश। नीचे ला रहे हैं। 5, 4, 2 आराम से। कैप्टन, सर्वे टीम से कहें कि स्पेस सूट पहन लें और हमें एयरलॉक चेंबर में मिलें। रोशनी खत्म होने में 6 घंटे बचे हैं, सुबह तक इंतजार करते हैं। नहीं 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 नहीं, मैं इसी वक्त वहां जाना चाहता हूं कैप्टन। मैं देखना चाहता हूं कि वहां क्या है। तुम भी मेरे साथ चलो, मुझे खुशी होगी। जैक्सन, हथियार किस लिए? ये है अभियान सुरक्षा। मेरा काम ये देखना है कि हर कोई ठीक और सुरक्षित रहे। ये एक वैज्ञानिक अभियान है, कोई हथियार नहीं ले जाएगा। ठीक है, फिर इसे नहीं ले जाऊंगा। डेविड, तुमने सूट क्यों पहना है यार? कुछ कहा आपने? तुम तो इंसानों की तरह सांस नहीं लेते, तो सूट की क्या जरूरत है? क्योंकि मुझे इसी तरह डिजाइन किया गया है। आप लोग अपनी तरह के लोगों से ही मिलना जुलना पसंद करते हैं। अगर मैंने सूट नहीं पहना तो आप लोगों जैसा नहीं दिखूंगा। वो तो मैं असली इंसानों जैसा बना रहे हैं। ज्यादा असली ना लगे तो ही अच्छा है। आप लोग इतिहास बनाने के लिए तैयार हैं? पता है आप तैयार हैं। मिस्टर जियोलॉजिस्ट, मुझे इस ढांचे की तस्वीर चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि कुदरती है या किसी ने इसे बनाया है। मैं ये तो नहीं बता सकता कि ये कुदरती है या नहीं, पर ये बता सकता हूं कि ये खोखला है। बिल्कुल, हम देख रहे हैं। रेडी? हाँ। चलो चलते हैं। पहले तुम ठीक है, संभल के। प्रोमीथियस, हम अंदर जा रहे हैं। ठीक है।
पीछे क्या है? किसी तरह का गलियार तो नहीं? मिस्टर फाइफील्ड, मुझे इस भीतरी हिस्से का पूरा ढांचा बना कर दीजिए। अगर अंदर कुछ देखने लायक होगा तो ये पिल्ले उसे ढूंढ लेंगे। पिल्ले? हाँ, पिल्ले, मेरे पिल्ले। प्रोमीथियस, अब हम नक्शा बना रहे हैं। ठीक है, यकीन नहीं होता मुझे। फाइफील, कुछ पता चला किस तरफ जाना है? हाँ, पिल्ले बता रहे हैं इस तरफ। जरा ये तो देखो, देखो धूप की वजह से पानी गर्म हो रहा है, देखो कितनी नमी है। हाँ, और कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर देखो, बाहर तो हवा पूरी तरह जहरीली है पर यहाँ अंदर सांस ले सकते हैं। ये क्या कर रहे हो चार्ली, बेवकूफ मत बनो। मुझ पर भरोसा रखो, यहाँ कुछ है जो वायुमंडल बना रहा है। क्यों डेविड? डॉक्टर हॉलोवे ठीक कह रहे हैं, पृथ्वी से भी ज्यादा साफ है। यहाँ का माहौल पृथ्वी जैसा बना रहे थे। प्लीज देखो, ऐसा देखो मत कर। अब मैं इसे नहीं पहनने वाला, मत उतारो, फिक्र मत करो। तुम सचमुच पागल हो। प्रोमीथियस, अगर तुम्हें ये अजीब और गरीब शो देखना है तो हमारे स्पेस सूट के कैमरा ऑन कर दो, हम हेलमेट उतार रहे हैं। ठीक है, सारे सूट्स के कैमरा ऑन कर दिए। देख लिया, मैं सही था। मतलब क्या सही था? क्या क्या मतलब? वहाँ कोई चीज सांस लेने लायक हवा बना रही है, यानी पृथ्वी जैसी प्रकृति बनाने की प्रक्रिया। ना, 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 अगर तुमने कहा होता कि एक मरहूम बूढ़ा आदमी मंगलवासियों से बात करना चाहता था तो तुम सही तुम होते। तुम देख लेना, मैं ही सही हूँ। तुम समझते नहीं हो, ये लोग हमें कुछ बताते नहीं है। यहाँ तापमान शून्य से 12 डिग्री नीचे है। तो पानी जम क्यों नहीं गए? शायद ये पानी हो ही ना। शायद ये मंगलवासियों का पसीना हो। क्या यही तुम्हारा वैज्ञानिक सिद्धांत है, मिस्टर बायोलॉजिस्ट? खैर जो भी है, शायद इसमें कोलाजन है जो तल पर जाके बैठ जाता है। वो क्या था? डेविड, डेविड, ये क्या है? डेविड, वो आखिर था क्या? अच्छा हुआ ना हम यहाँ कोई हथियार नहीं लाए। चलो एली यहाँ से निकल पड़ते हैं। हथियार ना लाने का आइडिया किसका? जल्दी करो, जल्दी।
चलो। से क्या मतलब है? ये वही है एली, ये दरवाजा लग रहा है और इसका सिर काट दिया गया है। कमाल है, वो सही थे। तुम क्या चाहती थी वो गलत हो? डेविड, कहो कि तुम इसे पढ़ सकते हो, कोशिश करता हूं। नहीं, मैं यहां से जा रहा हूं। रुको, फाइफील्ड कहां जा रहे हो? क्या? देखो, मैं सिर्फ एक जियोलॉजिस्ट हूं, मुझे चट्टाने पसंद है हद से ज्यादा। अब ये तो साफ जाहिर है कि तुम्हें इन चट्टानों में कोई दिलचस्पी नहीं है, तुम्हें तो दिलचस्पी है इन विशालकाय लाशों में। और चूंकि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर एतराज ना हो तो मैं जहाज पर वापस जा रहा हूं। कोई मेरे साथ आना चाहेगा? हा? तुम तो यही रहोगे ना? नहीं, वापस जाना ही ठीक रहेगा। हाँ, सही कहा, इसी में अकलमंदी है। मुबारक हो, तुम मोक्ष प्राप्त करने वाली हो। शुक्रिया। अपने आप को संभालो यार, अब तक लगता था कि तुम ही पागल हो। तुम्हारे पास कार्बन रीडर है? शुक्रिया। इसको मरे कितना वक्त हो गया है? करीब करीब 2000 साल। तुम क्या कर रहे हो डेविड? दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं रुको, पता नहीं दूसरी तरफ क्या है। Oops, sorry. देखो फोर्ड, ये सिर है। इतने अरसों बाद भी अवशेष सुरक्षित है। इसे जहाज पे ले चलते हैं। ठीक है। बिल्कुल इंसान दिख रहा है। कितनी खूबसूरत पेंटिंग है। ये तो बहुत बड़ी है। रुक जाओ, नहीं इसे मत छूना। सॉरी। प्लीज किसी चीज को हाथ मत लगाना। पानी निकल रहा है। जीवन के लक्षण। ओ नहीं चार्ली, पेंटिंग्स बदल रहे हैं, हमारी वजह से इस कमरे के वातावरण पर असर हो रहा है। चार्ली सुन रहे हो ना? वो सिर, फोर्ड जल्दी उस सिर को बैग में डालने में मेरी मदद करो। Thank you.
तूफान आता दिख रहा है जिसमें सिलिका है और ढेर सारी बिजली। आसार अच्छे नहीं है। मुझे दिख रहा है। ग्राउंड क्रू, मैं यानिक बोल रहा हूँ, जल्दी से लौट आओ। ग्राउंड क्रू मुझे सुन रहे हो? हवा 200 किलोमीटर की रफ्तार से सिलिका उड़ा कर ला रही है, साथ ही इतनी बिजली की तुम्हें भून कर रख दे। मैं समझ सकती हूँ सर, पर हमें यहाँ और वक्त चाहिए। मैं 15 मिनट में बाहर के दरवाजे बंद कर दूंगी। उम्मीद है तब तक तुम पहुँच जाओगे। चार्ली, डेविड, हमें फौरन जाना होगा। ये सिर्फ एक मकबरा है। डेविड, तीन गिनने पर दो। डेविड, कौन से? धीरे धीरे संभल के। डेविड, ये हम जा रहे हैं। चलो यहाँ से निकलो, वो लोग पहले ही जा चुके हैं, जल्दी करो। प्रोमेथियस से बोल रहा हूँ, तुम्हारा वक्त खत्म हो रहा है। फिर से कह रहा हूँ, तुम्हारा वक्त खत्म हो रहा है। निकलते हैं। क्या कर रही थी तुम एली? हाँ, तुमने तो पूरा मिशन बर्बाद कर दिया होता और खुद को मरवा दिया होता 100 लग। आप ठीक है ना? थैंक यू डेविड। यू आर वेलकम। ठीक है डॉक्टर्स, शुक्र है कि आप वापस आ गए, पर मिलबर्न और फाइफील्ड कहाँ हैं? वो अभी तक वापस नहीं आए। उनसे कांटेक्ट करो। ठीक है। यकीन नहीं होता वो हमें यहाँ छोड़ के चले गए। हम यहाँ पहले भी आ चुके हैं फाइफील्ड। पता नहीं, मुझे तो ये सारी जगह एक सी लगती है। साथियों, कैप्टन बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। स्टैटिक बिजली और तेज रफ्तार हवा की वजह से तुम्हें वापस लाने का कोई सुरक्षित तरीका नहीं है। क्या? तापमान तेजी से नीचे जा रहा है, इसलिए हेलमेट पहने रहो और ठंड से बचो, तूफान गुजर जाने तक। कैप्टन, क्या आप उस वैज्ञानिक और उसकी जोशीली गर्लफ्रेंड को एक मैसेज दे सकते हैं? आपके आस पास कोई पेन है? ना, नहीं है, उसकी जरूरत नहीं। उनसे कहना उनकी ऐसी की तैसी। समझ गए? समझ गया। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखना, हम सुबह तुम्हें लेने आएंगे। तो आप किस तरफ हैं? बोलो किस तरफ? हम्म।
सैंपल में जीवाणु नहीं है, इसे छूने में कोई हर्ज नहीं है। डेविड, तो सारे मर गए या कोई जिंदा है? क्या, कौन? तुम्हारे इंजीनियर्स सारे मर गए या कोई जिंदा है? मुझे नहीं पता, हम तो अभी अभी आए हैं। स्कैन करो। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है अगर वो मर गए हो तो? वेलन को पड़ता है। डॉक्टर शॉ, जरा इसे देखना। ये सिर जैसा नहीं लगता। नहीं, मेरे ख्याल से एक तरह का हेलमेट है। देखते हैं इसके अंदर क्या है। बिल्कुल, इसे किसी तरह तो खोला जा सकता है। कोशिश करके देखते हैं। डेविड, संभल जा। इस तरह आराम से। ये तो कमाल है। वो उसके सर पे क्या है? नई कोशिकाएं लगती हैं, शायद बदलाव की स्थिति में है। हाँ, कैसा बदलाव होगा? एक स्टिम लाइन लगाओ लोकस रिलियस में, शायद उस वजह से नर्वस सिस्टम को लगेगा कि वो अभी जिंदा है। टी सैम्स। ओके, ज्यादा नहीं। रीढ़ की हड्डी में मैं एक चीरा लगा देती हूँ, यहाँ। ठीक है। और बढ़ाओ, 40 तक। ओके, ये लो 40। देखा? हाँ, देखा। और 10 ऊपर ले जाओ। ओके, और 10। शायद ये कुछ ज्यादा ही हो गया। 10 नीचे कर दो। 10 नीचे। ठीक है, 10 कम किए। 20 और नीचे। 20 कम कर रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ पर कुछ हो नहीं रहा है। पूरा नीचे। फोर्ड, रोक दो। ठीक है, मैं बैंडेज लगाती हूँ। ओह गॉड, डेविड, रोको इसे, जल्दी। बंद कर दो, रोको इसे फौरन। गॉड, ये बदबू तो। गॉड, इसे देखो, इसे देखो, ये तो और बिगड़ता जा रहा है। आखिर है तो नश्वर। फोर्ड एग्जाम्पल ले लो, देखे तो सही। नहीं सर, मैं इसे संभाल लूंगा। यस सर, समझ गया, आई एम सॉरी। खुशकिस्मती से समय से पहले बिल्कुल सर। उन्होंने क्या कहा डेविड? मेरे ख्याल से वो नहीं चाहेंगे कि मैं आपको बताऊं। क्या कहा उन्होंने? आई एम सॉरी, ये राज है। ज्यादा होशियारी नहीं, वरना मैं उस तार को काट दूंगी जो तुम्हें जिंदा रखता है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कोशिश जारी रखो। चाय पियेंगे आप मैम? जेनेटिक व्यू? ठीक है। ओके, चलो इसका डीएनए देखते हैं। कतरा अलग कर दो। ठीक है, इसकी उस जीन सैंपल से तुलना करनी है जो हमने पहले अपलोड किया था। हाँ, देखते हैं।
प्रक्रिया शुरू, प्रक्रिया शुरू। डीएनए मैच हुआ। ये मुमकिन नहीं। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे मरे होंगे? बड़े काम की रचना छोटे से शुरू होती है। मैं दखल तो नहीं दे रहा, सोचा आपको इसकी जरूरत होगी। अपने लिए भी एक गिलास उठा लो दोस्त। शुक्रिया, पर मेरा पीना तो बेकार ही है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि तुम इंसान नहीं हो। मुझे बेहद अफसोस है कि आपके सारे इंजीनियर्स मारे गए, डॉक्टर हॉलोवे। तुम्हें क्या लगता है हमने यहां आकर अपना वक्त बर्बाद किया है? पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आप यहां आकर आखिर हासिल क्या करना चाहते थे? हम अपने बनाने वाले से मिलना चाहते थे, जवाब पाना चाहते थे, पूछना चाहते थे कि उसने हमें बनाया है ही क्यों। आपको क्या लगता है आपके लोगों ने मुझे क्यों बनाया है? क्योंकि हम तुम्हें बना सकते थे। क्या आप सोच सकते हैं कि अपने विधाता से यही बात सुनकर आपको कितनी मायूसी होगी? हाँ। ये तो अच्छी बात है कि तुम मायूस नहीं हो सकते। हाँ, ये तो कमाल की बात है। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? हाँ पूछो। जिसे पाने के लिए आप यहां तक चले आए, उसके लिए किस हद तक जा सकते हैं? जवाब दीजिए, आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? कुछ भी, सब कुछ। आपके जवाब पर एक जाम पीना तो बनता है। बहुत कमीने हो तुम। खुश रहिए। ये वही अवशेष है क्या? ये असली है? हाँ, बिल्कुल असली है। बाप रे, मेरा मतलब ये ढेर देखो, देखो कितनी ऊपर तक गया है। ऐसा लग रहा है वो किसी चीज से भाग रहा है। ओके, छूना मत, ठीक है? देखो इसकी छाती में अंदर की तरफ से चीर है, मानो जैसे फट गई हो। मुझे इस पेंटिंग में कोई तबाही का दृश्य नजर आ रहा है। जिसने भी इन्हें मारा है वो कब का जा चुका है? प्रोमेथियस है। तुम्हारी पोजीशन क्या है? प्रोमेथियस मेलबर्न बोल रहा हूँ। हम 7401477 पर हैं। क्यों? एक सिग्नल मिला है पश्चिम की तरफ 1000 मीटर पर। क्या मतलब है तुम्हारा? सिग्नल्स के मुताबिक वो चीज मरी हुई नहीं है, जिंदा है। क्या? जिंदा चीज से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या ये चीजें हिल रही हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता। कैप्टन, जाहिर है कि आप वो नहीं देख रहे जो हम यहाँ देख रहे हैं, पर अगर आप देख रहे होते तो आप बेकार के सिग्नल विग्नल की बात नहीं करते। पता है दोस्त, जब से तूफान आया है तुम्हारा सिग्नल रुक रुक कर आ रहा है। हाँ, पर उसकी वजह से हम किसी मुसीबत में फंस सकते हैं कैप्टन। क्या ये चीजें हिल रही है? क्या ये चीजें हिल रही है? नहीं, ये असल में अभी अभी गायब हो गई हैं।
कुछ तकनीकी गड़बड़ हो गई। गड़बड़ से तुम्हारा क्या मतलब है? ठीक है दोस्तों, जम कर सोना और कोई बदमाशी नहीं करना। कैप्टन, गड़बड़ से तुम्हारा क्या मतलब है? मिलबर, कैप्टन कहना क्या चाहते हैं? एक मिनट, उन्होंने कहा कि पश्चिम की ओर कुछ गड़बड़ है, लेकिन हम वहां जाकर कुछ नहीं देखेंगे। हा? बिल्कुल नहीं। हमें किस तरफ जाना चाहिए? पूरब। पता नहीं क्या क्या बक रहा था, गड़बड़ जिंदा चीज, पागल हो गया। इन होलोग्राफिक रिकॉर्डिंग्स में सब्जेक्ट के व्यवहार के मुताबिक हम अब भी पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर के फटने की वजह क्या थी। मुझे बार बार ये ख्याल आता है कि कहीं कोई बीमारी तो नहीं फैली थी। तुमने मुझे याद किया मैडम? मुझे तुमसे एक जरूरी बात कहनी है। वो क्या है? ये एक गुलाब है जिसे मैंने शैंपेन के साथ जमा दिया था। मैं इसे तुम्हें तब देने वाला था जब हमें पता चल जाता कि हम यहाँ क्यों आए हैं। हम जिसलिए यहाँ आए थे वो तो हमें मिल गया। वो यहाँ आए थे मानव जाति के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण खोज के लिए। हाँ मैं जानता हूँ, ये कमाल है वाकई में, पर मैं उनसे बात करना चाहता था। क्या तुम नहीं जानना चाहते हैं कि वो यहाँ क्यों है? उन्होंने हमें छोड़ क्यों दिया? मुझे सिर्फ जवाब चाहिए। हम सही थे चाली, मेरे पास सबूत है। देखो, उनका जेनेटिक मटेरियल हमसे पहले का है, वो हमारे पूर्वज हैं। तुम मजाक तो नहीं कर रही? ठीक है, तब तो तुम अपने पिताजी का दिया हुआ ये क्रॉस कलेस उतार सकती हो। और मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि इन्होंने हमें बनाया है। और इन्हें किसने बनाया? वही तो हम कभी नहीं जान पाएंगे, पर हम ये जानते हैं कि जिंदगी बनाना कुछ खास काम नहीं है, ये कोई भी कर सकता है। मेरा मतलब तुम्हें सिर्फ जरा सा डीएनए और आधे दिमाग की जरूरत है। पर मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं किसी को जिंदगी नहीं दे सकती। तो तुम मुझे क्या कहोगे? एली, ऐसी बात नहीं है। देखो मैं तो सिर्फ बात कर रहा था। बच्चों की? इंसानों की? नहीं 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 नहीं, एलिजाबेथ शॉ, मुझे जिंदगी में जितने लोग मिले हैं उनमें तुम सबसे खास हो, और मैं तुमसे प्यार करता हूं। रोना नहीं। इसमें और कितनी देर लगेगी? मुझे नहीं पता, मैं तो सिर्फ कैप्टन हूं। बिल्ली का गला दबाने पर ऐसी आवाज आती है। तुम्हें पता होना चाहिए कि ये चीज किसी मशहूर गायक की हुआ करती थी। और ये कौन है मुझे पता होना चाहिए? देखो अगर मुझसे दोस्ती करनी है तो नाटक करने की जरूरत नहीं कि तुम्हें पिरामिड स्कैन में दिलचस्पी है। तुम सीधे सीधे कह सकते हो मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। हाँ ये तो कह ही सकती हूँ, पर फिर मतलब नहीं बनता कि अगर दोस्ती ही करनी थी तो मैं पृथ्वी के सारे मर्दों से इतनी दूर उड़कर यहाँ क्यों आती है ना? विकास, ए विकास।
मैं सोच रहा था तुम रोबोट तो नहीं हा? मेरे कमरे में 10 मिनट में. Well, if you can't be with the one you love, love the one you're with. Love the one you're with. अरे यार, ये काली सी चीज क्या निकल रही है? शोरबा. क्या वो तंबाकू है? हाँ. तुम्हारे रेस्पिरेटर में तंबाकू है? हाँ, है. तंबाकू है. सभी वैज्ञानिकों की ओर से मैं शर्मिंदा हूं कि तुम हमारे बीच में हो फायरफील्ड. सच में अच्छा मिलबन. हाँ? इस चीज को देख रहे हो? तुम्हें क्या लगता है ये क्या हो सकता है? कोई देवी देवता जिसे शायद वो पूछते होंगे या कुछ और? पता नहीं, देख के तो लगता है कि कोई बात नहीं. घबराओ मत, आराम से, शांत रहो, शांत रहो, कुछ नहीं होगा. मैं इसे देखता हूँ. ये तो बच्चा है. प्रोमेथियस, सुन रहे हो? यहाँ एक लंबा सा सांप की तरह का प्राणी है, शायद 30 या 40 इंच लंबा, पारदर्शी चमड़ी वाला और बहुत ही खूबसूरत. Prometheus, एक नहीं दो हैं. कितने छोटे से, कितने प्याले प्याले हैं. इसकी साइज तो देखो. आखिर ये है क्या? देखो तो. तुम्हें शांत रहना होगा. पता तो चले ये है क्या. शांत रहो जरा, क्योंकि ये कितनी खूबसूरत है. कितनी? तुम्हें कैसे पता ये मादा है? हाँ, ये एक मादा है. देखो. हाँ? कैसे देखे जा रही है? यहाँ हूँ. डरो मत, डरो मत, कुछ नहीं होगा मेरा बच्चा. बड़ी ताकतवर हो तुम. मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? मदद करो, इसे हटाओ. मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ये तो मुझे कस के जकड़ रही है. मैं इसे हाथ नहीं लगाने वाला. कुछ नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ ना, कुछ नहीं होगा. मैं मरना नहीं चाहता. ये कोई हरा गिरा सांप नहीं है, ये कोई खतरनाक भला है. ये मेरा हाथ तोड़ देगी. जल्दी काटो इसे, काटो इसे. काटो, 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 काटो. अब क्या करें? ये तो मेरे छूटने जा रही है, मेरे छूटने जा रही है. ये बता सकते हो वो किस तरफ गए होंगे? पिछली बार जब मैसेज भेजा था तब वो वहीं थे जहाँ तुम्हें वो सिर मिला था. ठीक है, हम आ रहे हैं. ठीक है, चांस तुम्हें मेरे साथ आना होगा. चलो. ठीक है बॉस. रमन, वो गड़बड़ी ठीक कर ली? नहीं कैप्टन, जरूर हार्डवेयर में होगी. कैसी गड़बड़ कैप्टन? फायरफील्ड के पिल्लों ने एक जिंदा चीज ढूंढी थी. वो हर घंटे कुछ पलों के लिए दिखाई देती है और फिर गायब हो जाती है. अगर आप चाहें तो मैं उसे ढूंढ कर ठीक कर सकता हूँ. जैसा ठीक समझो करो. रैंप खुल जाएगा. संभल कर डॉक्टर.
ठीक है चलो आ जा। जी हाँ मिस विकर्स। अपने कैमरा को मेरे कमरे में अपलिंक करो। समझ गया। मैं जरा लड़ क्या हुआ तुम्हें? मेरी तबीयत ठीक नहीं। मैं ठीक हूँ एली। चलो फायफील्ड मिलबान। अरे चांस उसे हाथ मत लगाओ। डॉक्टर शॉ हाँ क्या तुम हमें बता सकती हो इन मर्तबानों से क्या रिस रहा है? नहीं पिछली बार जब हम यहाँ आए थे तब ये ऐसी नहीं थी। क्या कौन है? कौन है ये? कौन है ये? नहीं ये मिलबान है। अले उसे हाथ मत लगाओ। अले हाथ मत लगाओ। अले अले चार्ली चार्ली क्या हुआ? अले अले मेरी तरफ देखो ठीक है? तुम इन्फेक्शन के बारे में जानते हो, बताओ मुझे तुम्हें क्या दिख रहा है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मेरी तरफ देखो और मुझे बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है? अरे बाप रे कैप्टन। फोर्ड यहां सब ठीक हो जाएगा। आ रही हूं। क्या हमें यहाँ से निकलना होगा? यहाँ एक आदमी पड़ा हुआ है शॉ। हॉलोवे बीमार है, इसकी हालत ठीक नहीं है। गले में कुछ हलचल दिखाई दे रही है। हम यहाँ से जरूर निकलेंगे। मैं ये कर सकता हूँ। मैं ये काम करके जाऊंगा। मैं ठीक हूँ। जल्दी इसे उठाओ। चलो चलो प्रोमीथियस मेरी बात सुनो। क्या वहाँ कोई है? हाँ विकर्स मुझे एयरलॉक के पास एक मेडिकल टीम तैयार चाहिए। फुल क्वारंटीन फेल सेफ। हॉलोवे बीमार है। क्या हुआ है उसे? जो कहा वो करो। मैं स्पेस सूट पहन लेती हूँ। इसकी जान खतरे में है। इसे आज जल्दी से निकालना ही होगा। Thank you.
उसकी हालत ठीक नहीं लग रही। क्या उसे बाहर नीचे कोई बीमारी लग गई थी? हमने अपने हेलमेट मुझे नहीं पता। हमें भी प्रोमेथियस, मैं यानिक हूँ। पिछला दरवाजा बंद मत करना, खुला रखना। ठीक है कैप्टन। डरो मत चाली, तुम ठीक हो जाओगे। जल्दी करो प्लीज। प्रोमेथियस, पिछला दरवाजा खुला क्यों नहीं है? बिकॉज ये मेरा ऑर्डर है, दरवाजा फौरन खुलवाओ। मेरी तरफ देखो, बहुत देर हो चुकी, मैं बहुत बीमार हूँ। नहीं, देर नहीं हुई, चलो फौरन मेरी मदद करो। एयरलॉक क्रू, मैं यानिक हूँ, फौरन पिछला दरवाजा खोलो। दरवाजा मत खोलना। प्रोमेथियस सुन रहे हो, मैं कह रहा हूँ दरवाजा खोलो, ये मेरा ऑर्डर है। अब खोलो। ये तुम क्या कर रही हो? वो जहाज पर नहीं आएगा विकास, वो आदमी बीमार है। मुझे दिख रहा है, इसीलिए वो नहीं आएगा मेरे जहाज पर। चांस, हम अभी उसकी मदद कर सकते हैं। अपनी मदद करो, हॉलोवे को छोड़कर बाकी सब जहाज पर वापस आ जाओ। मैं उसे छोड़कर नहीं आऊंगी। तो यही रहो। एक मिनट, हम उसे अलग करके मेड पॉड में रख सकते हैं। प्लीज विकास, ऐसा मत करो। कोई बात नहीं एली। विकास, ये क्या कर रहे हो? I love you, Ellie. चली रुको। मैं कह रही हूँ दूर रहो। चली, चली नहीं। दूर रहो। चली, ऐसा मत करो। चला दो मुझे। चला दो। मुझे तहे दिल से अफसोस है, इसे मुझे निकालना होगा। इसमें बीमारी के कीटाणु हो सकते हैं। अगर कोई छूत की बीमारी है तो हम सब वहां मौजूद थे। तो तुम्हें उन सब के खून की जांच करनी चाहिए जिन्होंने उस पिरामिड के अंदर कदम रखा था। हाँ बिल्कुल। ठीक है, मैं समझता हूं कि इन हालातों में ये कितना अटपटा सवाल है, पर जरूरी है क्योंकि आपने क्वारंटीन फील सेफ का ऑर्डर दिया है। ये पूछना मेरा फर्ज बनता है, क्या आपके और डॉक्टर हॉलोवे के हाल ही में कुछ शारीरिक संबंध रहे हैं? क्योंकि आप और वो काफी करीब थे। मैं पूरी तरह से तसल्ली कर लेना चाहता। आप प्रेग्नेंट हैं? क्या क्या कहा? देखकर तो ऐसा लगता है तीसरा महीना चल रहा है। नहीं, ये नामुमकिन है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। क्या आपने डॉक्टर हॉलोवे के साथ संबंध बनाया? हाँ, पर 10 घंटे पहले। मेरे 3 महीने प्रेग्नेंट होने का तो सवाल ही नहीं उठता। वैसे डॉक्टर, आपको बता दूं, ये कोई आम गर्भ नहीं है। मैं देखना चाहती हूं। मुझे नहीं लगता आपको इसे देखना चाहिए। डेविड, मैं इसे देखना चाहती हूं। मत देखिए। मैं इसे देखना चाहती हूं, इसे अंदर से निकालना चाहती हूं। हमारे पास इस तरह का ऑपरेशन करने के लिए कोई डॉक्टर नहीं है। अच्छा तो यही होगा कि मुझे इसे निकालना। जब तक हम पृथ्वी पर लौट नहीं जाते, आपको वापस सुला दिया जाए। इसे मेरे अंदर से निकालो, इसे मेरे अंदर से निकालो। बहुत दर्द हो रहा होगा, रुकिए, इंजेक्शन दे देता हूं। हो गया, बस जल्दी कोई यहां आकर आपको वापस क्रायोडेक पर ले जाएगा। महसूस होता होगा आपको आपके विधाता ने छोड़ दिया। क्या? अपने पिता की मौत के बाद डॉक्टर हॉलोवे को भी बिल्कुल उन्हीं हालातों में खो देना। वैसे उनकी मौत किस वायरस से हुई थी? इबोला?
तुम्हें ये सब कैसे पता? मैं आपके सपने देख सकता हूं। डॉक्टर शॉ, डॉक्टर शॉ, हम आपको एक एंटी कंटामिनेशन सूट में डालकर वापस क्रायोडेक ले जाने आए हैं, वहां आप आराम से सोइएगा। डॉक्टर शॉ, ये तो पूरी तरह बेहोश है, इन्हें तैयार कर दो। प्रक्रिया शुरू। सर्जरी शुरू करो। को मैं कैप्टन हूँ जी। कैप्टन, तुम वो देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ? पाई फील्ड का मॉनिटर अभी अभी चालू हुआ है। क्या, कहाँ?
जो मैं देख रहा हूँ उसके हिसाब से ये हमारे जहाज के बिल्कुल करीब आ गया है। बस दरवाजा खोलो। फाइफील्ड, तुम सुन रहे हो, जवाब दो। फाइफील्ड, एक मिनट रुको। अरे वॉलेस, ये देखो तो। आखिर हो क्या रहा है? मैं वहां रहा। चांस, अपना स्पेस सूट पहनो और चलो। पूरा वक्त आप इस जहाज पर थे, ऐसा क्यों किया? बस मेरे अंदर कुछ ही दिनों की जिंदगी बची है, मैं उन्हें जाया नहीं करना चाहता था जब तक मुझे यकीन नहीं हो गया कि तुम अपना वादा पूरा कर सकती थी अपने विदाता से मिलने। ये लीजिए सर, बिल्कुल साफ हो गया। तुमने इन्हें बताया नहीं वो मर चुके हैं? पर वो सब नहीं मरे डॉक्टर शॉ, उनमें से एक अभी भी जिंदा है और हम उसे ही मिलने जा रहे हैं। मुझे घुमाओ, तुमने मुझे यकीन दिलाया था कि अगर इन चीजों ने हमें बनाया है तो वो हमें बचा भी सकती है। मेरी छड़ी प्लीज। तो सबसे पहले मुझे बचाओ। आपको बचाओ? पर किससे? मौत से। मुझे खड़ा करो। मैं ठीक हूँ। जी सर। और आप नहीं समझते, आप नहीं जानते, इस जगह को समझने में हमने भूल की। वो वैसे नहीं जैसे हम समझते थे। मैं गलत थी, हम कितने गलत थे। चार्ली, डॉक्टर ऑलिवे मर चुके, हमें यहाँ से जाना होगा। अगर चार्ली जिंदा होता तो क्या करता? अब जबकि हम उस अक्सर पूछे गए सबसे अहम सवाल का जवाब देने के इतने करीब हैं, उस जवाब को जाने बिना तुम कैसे जा सकती हो? अपने ईश्वर पर विश्वास खो दिया है शो? Ha ha ha.
अंदर आओ। तुम आखिर जा कहाँ रही हो डॉक्टर? तुम जानती हो ये जगह क्या है? वो इंजीनियर्स, ये उनका घर नहीं है, ये स्थापना है, शायद मिलिट्री हो, और उन्होंने उसे इस बियाबान में इसलिए लगाया क्योंकि वो इतने बेवकूफ नहीं कि अपने ही दरवाजे पर सामूहिक विनाश के हथियार बनाए। उन मर्तबानों में यही एलियन जीव भरे थे, उन जीवों को यही बनाया था, वो बाहर निकल आए और उन्हीं पर टूट पड़े। द एंड। अब घर जाने का वक्त आ गया है। उनमें से एक अब भी जिंदा है। तुम जानना नहीं चाहते वो क्या कहते हैं? मुझे परवाह नहीं। हाँ, तुम तो बस जहाज चलाते हो ना। सही कहा। पर तुम्हें किसी की परवाह तो जरूर होगी कैप्टन। अगर ना होती तो यहां क्यों आए हो? ध्यान से मेरी बात सुनो। वहां पर चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उन जीवों में से किसी को भी अपने साथ घर नहीं ले जा सकता। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, और इसे रोकने के लिए मुझे जो कुछ करना पड़े मैं करूंगा। तुम ऐसा जरूर करना कैप्टन। तो आखिर तुम आ ही गई। मुझे लगा आप यही चाहते थे। मुझे यहाँ आने से रोकने की तुम्हारी कोशिशों के बावजूद मैं तुम्हें यहाँ देखकर हैरान हूँ। डेविड, हमें अकेला छोड़ दो। जी सर। अगर आप सचमुच वहां जा रहे हैं तो मर जाएंगे। तुम्हारा नजरिया हमेशा गलत ही रहा है, इसीलिए तुम्हें पृथ्वी पर ही रहना चाहिए था। क्या आपको सच में लगता है कि मैं सालों साल किसी ऑफिस में बैठी इस बात की बहस करती कि इंचार्ज कौन है, जबकि आप अंतरिक्ष के बीच किसी सुनसान ग्रह पर कोई चमत्कार ढूंढते फिरे? हर राजा का अपना शासन काल होता है और फिर वो गुजर जाता है। यही नहीं, यही कुदरत का दस्तूर है। और कुछ कहना है? नहीं पिताजी, और कुछ नहीं। मैंने नहीं सोचा था आपके अंदर ये हुनर है। सॉरी, गलत तरीके से कह गया। जिंदा रहने का कमाल का जुनून है एलिजाबेथ। जब तुम्हें प्रोग्राम करने के लिए वेलन नहीं रहेंगे तब क्या होगा? तब तो मैं आजाद हो जाऊंगा। तुम यही चाहते हो? चाहता हूं। चाहना क्या होता है मैं नहीं जानता। हाँ, एक बात जरूर है, क्या सभी नहीं चाहते कि उनके माँ बाप गुजर जाए? मैं नहीं चाहती थी। डॉक्टर शॉ, खुशी हुई तुम्हें यहां देखकर। आप चाहें तो अपना हेलमेट उतार सकते हैं सर। क्या इस हवा में आराम से सांस ली जा सकती है? तुम्हें पूरा यकीन है? बिल्कुल। रुको, हम अभी नहीं जानते हॉलोवे बीमार कैसे हुआ। अगर हवा में बीमारी है तो नहीं है। तुम्हें ये कैसे पता? मुझे तो ठीक लग रही है। चले सर। प्लीज। ब्रिज बस आ गई है। ये क्या है? ये गोदाम है।
वैज्ञानिक ये सब देख रहे हो ना? वहां पर ऐसे कितने मर्तबान हैं शो? हजारों। क्या कह रही हो? रवेल, पिरामिड का नक्शा दिखाओ। मैं अभी इसे मेज पर ट्रांसफर कर रहा हूं। गुंबद हटा दो, इलाके को अलग करके उसे करीब से दिखा। और करीब से दिखाता हूं कैप्टन। उसे बड़ा करो, घुमा। ये तो अंतरिक्ष यान है। ये चमत्कार है। ये उन इंजीनियर्स का अंतरिक्ष यान है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये बेहतर प्रजाति है। इनके लंबे अरसे तक सोने के कक्ष शानदार होंगे यकीनन। तो वो कहीं जा रहे थे? मैंने इसे चलाने का तरीका समझ लिया है। साफ जाहिर है वो यहां से जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन फिर कुछ गड़बड़ हो गया। कहां जाने की तैयारी कर रहे थे? पृथ्वी पर। क्यों? नई रचना करने से पहले पुरानी का विनाश जरूरी है। वो एलियन इंजीनियर कहां है डेविड? इस तरफ सर। तुम्हें पूरा यकीन है कि वो जिंदा है? बिल्कुल। और तुम उससे बात कर सकते हो? जरूर कर सकता हूं। उसे कहो कि हमने उसे ढूंढ लिया जैसा वो चाहता था। उसे पूछो वो कहां से आए हैं। क्या कर रही हो? पूछो उसके पास ऐसा क्या है जिससे उसी के लोग मर गए। बहुत हो गया डेविड। तुमने यहां पर उसकी रचना की, वो भी हमें मारने के लिए। क्यों? बस बहुत हो गया, बस चुप रहो। मैं जानना चाहती हूँ हमने क्या गलती कर दी। तुम हमसे नफरत क्यों करते हो? अगर इसने फिर से मुंह खोला तो गोली चला दो। डेविड, इसे बता दो कि हम क्यों आए। मनमाए यमामुत्सुस्ते दा गुयुवा पौनिकतम सस्त्राता क्रीडा। मिस्टर चांस, हमें घर ले चलिए। Thank you.
तुम हो, जवाब दो। यानिक, मेरी बात सुनो। ये जहाज उड़ना शुरू कर चुका है। क्या? ये क्या कह रही है? तुम इसे जाने नहीं दे सकते, तुम्हें इसे रोकना होगा। हम कुछ रोकने वाले नहीं हैं शॉ, हम घर जा रहे हैं। यानिक, अगर इसे नहीं रोक पाए तो वापस जाने के लिए कोई घर नहीं बचेगा। ये पृथ्वी की तरफ जा रहा है सबकी मौत लेकर। शॉ, ये कोई जंगी जहाज नहीं है। जानती हूँ, मैं जानती हूँ यानिक, पर तुम्हें ये करना ही होगा। कैप्टन चलो। यानिक, यानिक मेरा यकीन करो। मैंने कहा ना, इस जहाज को चलाओ। मिस्टर रवे, आयन प्रोपल्शन को ऑन कर दो। ये क्या बकवास कर रहे हो? सर, भीतरी वातावरण में आयन इंजन चलाने से जहाज गोली की रफ्तार से चलेगी, यही तो मैं चाहता हूँ। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? ये मेरा जहाज है और मैं कह रही हूँ हमें घर ले चलो। मैं तुम्हारा लाइफ सपोर्ट मॉड्यूल सतह पर उतार दूंगा, तुम उसमें 2 साल तक जिंदा रहोगी। तुम्हें वो चाहिए या मेरे साथ रहोगी? तुम्हारे पास उसमें जाने के लिए 40 सेकंड है। तुम पागल हो गए हो। साथियों, मैं इसे अकेला संभाल सकता हूँ, चाहे तुम इस विकास के साथ जाइए। बुरा मत मानिएगा कैप्टन, पर आप एक बेकार के पायलट हैं और आपको जितनी भी मदद मिले आपके लिए कम है। जांच है मेरा नाम, जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मान गया तुम्हें मेरे यार। ठीक है, जितना नजदीक जा सकते हैं जाएंगे, इसके लिए हमारे पास सिर्फ एक ही मौका है।
इसी वक्त वो तुम्हें मारने आ रहा है। कौन आ रहा है? एयरलॉक में घुस बैठ। उसने आपको मार ना दिया हो। तुम क्या जानो डर क्या होता है? मैं जानता हूं मेरे और आपके बीच काफी मतभेद रहे हैं, लेकिन इस वक्त मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मैं आखिर तुम्हारी मदद क्यों करने लगी? क्योंकि मेरी मदद के बिना हम यहां से नहीं निकल सकते। हम इसे कोई इस जगह से नहीं निकल पाएगा। सिर्फ यही एक जहाज नहीं है यहाँ पर, और भी बहुत सारे हैं।
मैं उन्हें चला सकता हूं। डॉक्टर शॉ, मैं यहां हूं। कहां है मेरा क्रॉस? वो मेरे बैग के अंदर रखा हुआ है। इतना सब होने के बाद भी आपका विश्वास अभी भी कायम है? तुमने कहा था तुम उनके जहाज चला सकते हो, उनके नक्शे समझ सकते हो। हाँ बिल्कुल, एक बार हम उनके किसी दूसरे जहाज पर पहुंच जाएं, तो पृथ्वी का रास्ता ढूंढना बिल्कुल आसान हो जाएगा। मैं वहां वापस नहीं जाना चाहती जहां से हम आए थे। मैं वहां जाना चाहती हूँ जहां से वो आए हैं। क्या तुम ऐसा कर सकते हो डेविड? हाँ जरूर ले जा सकता हूं। पूछ सकता हूं वहां जाकर आप हासिल क्या करना चाहती हैं? उन्होंने हमें बनाया, फिर हमें मारने की कोशिश की। उन्होंने अपना मन बदल दिया। मैं इसकी वजह जानना चाहती हूँ। जवाब जानने का क्या फायदा? उन्होंने अपना मन क्यों बदला, इससे क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है, फर्क पड़ता है। मैं कुछ समझा नहीं। शायद वो इसलिए क्योंकि मैं एक इंसान हूं और तुम एक रोबोट। नहीं कोई बात नहीं, अंतरिक्ष यान प्रोमीथियस की फाइनल रिपोर्ट। जहाज और उसका पूरा क्रू खत्म हो चुके हैं। अगर आप ये प्रसारण सुन रहे हैं तो उस जगह आने की कोशिश मत करना जहां से ये भेजा गया है। यहाँ अब सिर्फ मौत है और मैं उसे पीछे छोड़कर जा रही हूँ। आज नए साल का दिन है, सन 2094। मेरा नाम एलिजाबेथ शॉ है, प्रोमीथियस की आखिरी बची हुई इंसान, और मेरी तलाश अब भी जारी है।